हाय, मैं खड़ा हूँ हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास और वो है हावड़ा ब्रिज। ये देखो, धूप बहुत है यार, मुझे पसीने भी आ रहे हैं। एनीवेज, आप कभी भी हावड़ा और हावड़ा स्टेशन पे आ रहे हो आप, तो हावड़ा स्टेशन के अपर क्लास वेटिंग रूम के पास आके आप हावड़ा ब्रिज का ये अमेजिंग व्यू जरूर ले सकते हो। तो यहाँ से मैं निकलूंगा और हावड़ा ब्रिज की तरफ बढ़ूंगा पैदल पैदल, और पूरा हावड़ा ब्रिज पैदल पार करूंगा। बीच में आपको बहुत सारे टाइमलेसेस, लैप्सेस, स्लो मोशन वीडियोस एंजॉय करने का मौका मिलेगा। और मुझे ये हावड़ा ब्रिज, बहुत दिनों से कलकत्ता आ रहा हूँ यार, और बहुत दिनों से प्लान भी कर रहा हूँ कि हावड़ा ब्रिज को पैदल क्रॉस करूँ, बट वैसा हो नहीं पा रहा था। बट आज मैंने सोचा है, आज तो पक्का करना ही है। तो चलो चलते हैं हावड़ा ब्रिज और लेते एक वॉक ओवर द हावड़ा ब्रिज। ओके, तो अब चलते हैं हम हावड़ा ब्रिज की तरफ पैदल पैदल। टंटना देख लो यार, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है भाई। क्रिसमस है ना, बस क्रिसमस से स्टेशन का क्या लेना देना है यार। ओके, एनीवेज हमें जाना है बाहर। तो यहाँ से मुझे हावड़ा ब्रिज के अंदर जाने का रास्ता दिख रहा है। ये नज़दीक से ये हमारा हावड़ा ब्रिज है, तो यहाँ पे सारी बसेज आती हैं। ओके, तो मैं चल रहा हूँ पैदल पैदल हावड़ा ब्रिज की तरफ बढ़ रहा हूँ। यहाँ लगता है मैं थोड़ा सा गलत आ गया क्या? अच्छा नहीं, ये तो क्लोज है। अपोजिट साइड से जा रहा हूँ कि जो हावड़ा ब्रिज से राइट हैंड साइड का अभी जो व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। ये देखो, ओके, तो जहाँ मैं पहुँचा हूँ ये शायद अभी हावड़ा ब्रिज का मिडिल तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट मिडिल ही है। तो यहाँ से मैं एक टाइम लैप्स निकालने की कोशिश करता हूँ आप सबके लिए, ताकि एक अच्छा सा व्यू मिल सके आप लोगों को। बहुत सारे लोग खड़े हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो मेरे पीछे, और ये हावड़ा ब्रिज। चलिए एक टाइम लैप्स निकालते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी सी टाइम लैप्स आएगी। यार ये टाइम लैप्स बनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पूरा ब्रिज इतना शेक कर रहा है ना, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर भी जो सेकिनेस आपने देखा होगा वो टाइम लैप्स में, वो ड्यू टू ये पूरा ब्रिज शेक कर रहा है यार। पहली बार मैंने फील किया इसको, लोग ऐसे देखते हैं ना आप व्लॉगिंग करो तो। एनीवेज आगे बढ़ रहा हूँ मैं कोलकाता की तरफ, हावड़ा से कोलकाता की तरफ। अब शायद ये ब्रिज ख़त्म होने वाली है, पीछे की तरफ देखो, शायद ये अब ख़त्म होने वाली है ब्रिज।
यार यहाँ से बहुत सारी ऐसी जगहें भी दिख रही हैं जहाँ पे बहुत मज़ा आएगा और जहाँ से व्यू लेने पे, तो मैं वहाँ भी जाऊँगा। जो टाइम लैप्स में आपने लॉन्च देखा ना, जो फेरी बोल सकते हो आपको आप उसको, तो मैं उस पर भी आज जाने वाला हूँ। यहाँ पास में ही फेरी का वो है, बोट बोलो या जो भी बोलो, स्टेशन बोलो, जहाँ से मैं फेरी ले सकता हूँ, तो वहाँ से भी मैं वीडियोज़ निकालूंगा आज ही, क्योंकि वहाँ से बहुत अच्छा व्यू आता है इस हावड़ा ब्रिज का। तो ये दो चीज़, हावड़ा स्टेशन वाला व्यू और ये फेरी स्टेशन वाला व्यू, ये व्यू आप जब भी आओगे तो यहाँ ज़रूर लो। ये वाला पिलर देख रहे हो आप, ये हावड़ा ब्रिज का एक सेकेंड पिलर, फर्स्ट पिलर जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ का, ये यहाँ से मैं एक व्यू ले रहा हूँ हावड़ा ब्रिज का। ये रहा, नीचे जाने वाला हूँ यार मैं, नीचे भी बहुत मज़ा आएगा। ओके, ब्रिज तो अब एंड होने को है, अब हावड़ा ब्रिज के बीच में जाकर मैं एक टाइम लैप्स बनाने की कोशिश करता हूँ, जो आप लोग इन्जॉय कर सको। होपफुली मुझे परमिशन मिल जाए या फिर कोई रोके टोके, नहीं दिखता तो नहीं कि कोई रोके टोकेगा, बट फिर भी। अच्छा, हावड़ा ब्रिज का नाम देखो एक्चुअली क्या है, इसका नाम है रविंद्र सेतु। ओके, मेंटेन्ड बाय कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। ओके, तो फाइनली मुझे एक जगह मिल गया है जहाँ से मैं आपके लिए अच्छा सा टाइम लैप्स वीडियो निकाल सकता हूँ। हावड़ा ब्रिज एंड होने के बाद और यहाँ से मुझे लगता है बहुत अच्छी टाइम लैप्स वीडियो आएगी, तो आप लोग इन्जॉय करो और बताओ कैसा है। ओके, टाइम लैप्स वीडियो तो आप लोगों ने इन्जॉय कर ही लिया होगा, तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से और फेरी की तरफ जा रहा हूँ, ताकि मैं देख सकूँ कि क्या है और कैसा है ये। यहाँ से मुझे लगता है मुझे कैब बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे रास्ता तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे कज़न ने भी मुझे यही सजेस्ट किया था। ओके, तो कैब बुक करता हूँ मैं और चलते हैं हम मिलेनियम पार्क पे ही फेरी स्टैंड है, शायद वहीं पर चलते हैं। ओके, तो मैं पहुंच चुका हूं मिलेनियम पार्क और यहां पे एक पार्क भी दिख रहा है मुझे, मिलेनियम पार्क नाम है तो, और फेरी स्टेशन भी यहीं पे है। तो मिलेनियम पार्क यहां पे आप लोग अंदर जाके इंजॉय भी कर सकते हैं और इस साइड से है शायद। अच्छा, अगर पार्क के अंदर जाना है तो उसके लिए यहां से टिकट्स मिलेंगे जो 10 रुपये के हैं, और ये अंदर पार्क है। आज क्रिसमस है, बहुत भीड़ होगी अंदर, तो अंदर नहीं जाते हैं। मैं यहाँ से फेरी लेता हूँ और जाता हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। वो स्टेशन, हावड़ा स्टेशन के लिए फेरी का टिकट नहीं मिलेगा, कितने का है? 6 रुपीस। एक दिन में हो गए तो 6 रुपये में मुझे एक टिकट मिला है कि नहीं है। ये एंट्रेंस है फेरी के अंदर जाने के लिए, तो चलते हैं हम लोग। फेरी पैलेस पोर्ट के पास जहाँ से फेरी मिलेगी मुझे, और ये पीछे है हावड़ा ब्रिज।
ओके ये आ गई हमारी फेरी। फेरी के ऊपर से आप देख सको ये है नया ब्रिज और ये है हावड़ा ब्रिज और ये है हमारी फेरी। डायरेक्टली हम लोग शायद रोड पे ही निकले हैं। ओके हम लोग डायरेक्टली रोड पे पहुंच चुके हैं। हावड़ा स्टेशन मेरे पीछे है आप देख सकते हो। ओके तो मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर और बहुत मज़ा आया मुझे तो। ये अल्टीमेट था मेरे लिए ये वॉक और फेरी पे भी मैं पहली बार ही चढ़ा था तो बहुत मज़ा आया मुझे। आप लोग बताओ मुझे आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो और हाँ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए क्योंकि आपके लिए राज लाता रहेगा ट्रैवल ब्लॉग्स हमेशा। बाय।